हेलो स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है नोमेडिकल ऑफ कैपिटलाइजेशन हमने पिछले वीडियो में चार नोमेडिकल करा दिए थे आज फिफ्थ है इसका पार्ट थर्ड सुनिए फिफ्थ नोमेडिकल द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ दिनकर कंपनी लिमिटेड इज रुपीज़ एटी लैक the average annual income of the company is rupees 20 lakh at present the rate of capitalization of similar type of companies is 20% in this situation you decide first whether the company इज अंडर कैपिटाइज्ड सेकेंड है इफ सो वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। थर्ड है इन केस ऑफ द इफ द कंपनी हैज द सेम स्टेटस इन फ्यूचर दैन वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। सुनिए इसमें दिनकर कंपनी लिमिटेड दिनकर कंपनी लिमिटेड की पूंजीकरण राशि अस्सी लाख रुपए है कंपनी की औसत वार्षिक आय बीस लाख रुपए है वर्तमान में समान व्यवसाय वाली कंपनियों के लिए पूंजीकरण की प्रचलित दर बीस प्रतिशत है इस दशा में निश्चित कीजिए कि फर्स्ट पॉइंट है क्या कंपनी अल्प पूंजीकृत है सेकंड है यदि कंपनी अल्प पूंजीकृत है तो अल्प पूंजीकरण की मात्रा क्या है तथा नंबर थर्ड है यदि कंपनी की भविष्य में यही स्थिति बनी रहे तो उसके अंशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सुनिए अब इसका आता है सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन सुनिए फर्स्ट पॉइंट है करंट रेट ऑफ अर्निंग यानी कि जे दे रखा है आपका ट्वेंटी परसेंट इजिकल टू ट्वेंटी परसेंट फिर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इसका फॉर्मूला होता है बराबर एवरेज इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू हंड्रेड अब एवरेज इनकम दे रखा है ऊपर बीस लाख रुपए दे रखा है बीस रुपीज बीस लाख एवरेज जनरल इनकम तो एवरेज इनकम बीस लाख हो गई फिर बट एक कैपिटल एम्प्लॉयड अस्सी लाख कैपिटल एम्प्लॉयड अस्सी लाख की हो गई टू हंड्रेड इसे काटेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारी आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है क्योंकि देखो जीरो से जीरो काट देंगे कितने जीरो हैं थ्री और थ्री सिक्स टू इसके और फोर इसके फिर एट से इसको काट देंगे यानी कि टू हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव परसेंट आ गया फिर आ गया लिखेंगे द कंपनी इज अंडर कैपिटलाइज बिकॉज करंट रेट ऑफ अर्निंग ज लेस देन, द एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग सेकेंड पॉइंट निकालेंगे इसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटाइजेशन इजिकल टू रुपीज़ जो दरअसल एट्टी लैख एटी लैख फिर अमाउंट ऑफ फेयर कैपिटाइजेशन तो यानी कि ये है बीस लाख बटे ट्वेंटी इंटू हंड्रेड अब बीस लाख अपॉन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा वन करोड़ फिर एक्सचेंज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन बराबर होगा फेयर कैपिटलाइजेशन माइनस एक्चुअल कैपिटलाइजेशन तो फेयर कैपिटलाइजेशन है आपका वन करोड़ जो हमारा निकल के आया था अभी माइनस एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है एट्टी लाख अब वन करोड़ में से 80 लैख को माइनस करेंगे तो तो ट्वेंटी लैख हो जाएगा तो हेयर इट इज क्लियर दैट कंपनी इज अंडर कैपलाइज टू द एक्सचेंज ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख जो हमारा निकल के आया था ये वाला अब थर्ड में इफ द कंपनी थर्ड पूछ रहा है ना केस इफ द कंपनी हैज अ सेम स्टेटस इन फ्यूचर देन व्हाट वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स तो इसका देखिए इट इफ द कंपनी विल हैव द सेम स्टेटस इन द फ्यूचर द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स विल बी हायर ठीक है यदि कंपनी का सेम स्टेटस होगा फ्यूचर में मार्केट प्राइस के मतलब बाजार मूल्य हुआ तो उसका जो शेयर होगा वो विल बी हायर ऊंचा होगा ठीक है जी रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स सुनो ए कंपनी हैज रुपीज वन लैक प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स the total amount of equity shares capital is rupees 9 lakh and total assets of the company are rupees 15 lakh the equity shareholders of the company expect 12% return on their investments in shares this is based on the fact that other similar companies are earning more or less 12% on their equity share capital. Is the company overcapitalized? Comment and find out the fair or optimum amount. ऑफ कैपिटलाइजेशन इसका मतलब सुनिए एक कंपनी सभी संचालन व्ययों एवं ऋणों पर ब्याज के भुगतान के बाद एक लाख रुपए का लाभ अर्जित करती है कंपनी की कुल अंश पूंजी नौ लाख रुपए और कुल संपत्तियां पंद्रह लाख रुपए हैं इस कंपनी के समता अंशधारी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बारह बारह प्रतिशत प्रत्याय दर की आशा करते हैं इस प्रत्याशा का आधार इसी प्रकार की अन्य कंपनी द्वारा भी लगभग बारह प्रतिशत आय अर्जित करना है क्या कंपनी अति पूंजीकृत है टिप्पणी कीजिए और उचित अनुकूलतम पूंजीकरण की राशि ज्ञात कीजिए यानी कि फेयर और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बताना है सॉल्यूशन सुनिए सबसे पहले करंट रेट ऑफ अर्निंग बराबर दे रखा है ट्वेल्व परसेंट फिर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू वन लैक इन टू हंड्रेड अपॉन नाइन लैख इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो से जीरो काटेंगे तो इसका आ जाएगा इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट ठीक है फिर बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस यानी कि नाइन लैख जो बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस एक्चुअली वो मतलब जो नीचे दे रखा है ये दे रखा है बुक वैल्यू ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कटिशियर कैपिटल इज नाइन लैख तो जो नाइन लैख हो गई आपकी बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस फिर रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस तो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपका वन लैख है इन टू हंड्रेड अपॉन ये ट्वेल्व प्रतिशत है ट्वेल्व परसेंट तो ट्वेल्व फिर इसे ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा एट लैख थर्टी थ्री थाउजेंड 333. आगे देखें दस एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग 11.11 पॉइंट .11 वन वन परसेंट फिर का साइन है करंट रेट ऑफ अर्निंग 12 परसेंट यानि कि इसमें हमारा क्या ज्यादा है करंट रेट ऑफ अर्निंग ट्वेल्व परसेंट क्योंकि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमारा आया है इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट तो जो कम है करंट रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है फिर आता है रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस रुपीज एट लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री और इधर है बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस रुपीज नाइन लैख तो हमारा रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस है एट लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री और वैल्यू ऑफ द बिजनेस है नाइन लैख तो कौन सा ज्यादा है हमारा बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस ठीक है दरफोन द कंपनीज पोजिशन इज दैट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की जो पोजीशन है वो ओवर कैपिटलाइजेशन ऑप्टिमम और फेयर अमाउंट ऑफ कैपिटेशन विल बी क्या होगी वन लैख इन टू हंड्रेड अपॉन ट्वेल्व आप देखो ट्वेल्व से से काटेंगे ट्वेल्व वन जाओ ट्वेल्व ट्वेल्व एट ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं ट्वेल्व एट जो नाइनटी सिक्स तो कितने बचे फोर फोर्टी हो गए फिर ट्वेल्थ थ्री जाओ थर्टी सिक्स फिर फोर बचे फिर ट्वेल्व थ्री जाओ थर्टी सिक्स फिर फोर बचे फिर ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स फिर ऐसे ही जाता रहेगा फिर फोर बचेंगे फिर ट्वेल्थ थ्री जा थर्टी सिक्स तो इसका मतलब अप्रॉक्स कर देंगे एट लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री रुपीज आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच